हमारे बेटी बेटी को बेटा है, तो हमको इतना अच्छा लगा उस जगह। मेरे बहू का भी रहता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन बेटी पहले मोहब्बत का सहारा मिल गया होता अगर तो भा नहीं भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। किसी को चाउमीन, किसी को मैगी और किसी को मोमो, किसी को पास्ता, कुछ भी किसी को भी पसंद आ सकता है, लेकिन मेरा फेवरेट है मोमो। गुड मॉर्निंग। और देखिए अभी हम टहल रहे हैं अपने आंगन में और इतना सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है। आज बजरंगबली को चढ़ेगा और ये सब इतना मस्त लग रहा है। तो इस समय हम टहल रहे हैं, तो ये साड़ी धो के डाल दिए हैं, सूख भी रहा है, तो अभी हम टहल रहे हैं। उठ के इसी छत पे टहलते हैं, 10-15 चक्कर कम से कम लगा लेते हैं। ये भी कनेर का फूल खिला हुआ है, इतना मस्त सारा खिला हुआ है। तो पूजा करने के लिए कहीं जाकर खोजना नहीं पड़ता है, और अब इससे हम अपना पूजा भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये तस्पात कितना बड़ा पौधा हो गया है, बहुत ऊंचा हो गया है, बड़ा। तो यही सुबह का मेरा काम है, इस समय टहलना। बहुत दिन हो गया एक गाना आप सुना रही हैं, तो सुनाइए जोर से, स्टार्टिंग स्टार्ट से। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल जाता। तो गाइस इनका गाना अच्छा है या मेरा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा है, पहले अभी हम गाना गाने जा रहे हैं। जानता है पहले जब हॉस्टल लाइन चलाते थे ना, तो मेरा एकदम हारमोनियम पे एकदम राग मिला के गाते थे इससे। अब जो है ना, चिल्लाते चिल्लाते मेरा आवाज खराब हो गया है और हमको भी अच्छा नहीं लगता है अपना ही आवाज, तो बोलने से हो जाता है। आपके हॉस्टल में सबसे पहले कौन लड़का आया था, नाम याद है? सबसे पहला लड़का, सबसे पहला लड़का अभी दवा खा रही हैं, अब्दुल्ला नाम का था, बैसाखी का। और सोनू मोनू था, मुस्लिम था लोग। और एक चंदन कुंदन आया था हसनपुरा से। 5 लड़का से हॉस्टल शुरू किया था और मेरे पास 80 बच्चा आ गया उस साल जब तुम पैदा नहीं हुआ था, समझा? तो इसलिए समय समय का इंतजार है कि नहीं। फिर अब हॉस्टल का तो सोच रहा है कि अब थोड़ा सा हमारा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, इसलिए थोड़ा सा चाह रहा है कि अब सुस्ता ले। ये गाना मैं गाने जा रहा हूँ जो कि है मम्मी को। मम्मी का गाना अच्छा है या मेरा कमेंट जरूर कीजिएगा लो, क्योंकि आप लोगों का बात जो है सर आँखों पे रहता है। तो गाना ये है, किसे पूछो है ऐसा क्यों बेजुबा सा, वक्त भी यहाँ है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेजुबा सा, ये जहाँ है जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी के कई फासले हैं, हमें सुझ दिए सपने क्यों आँखों में, नसीबे जुड़े क्यों इन आँखों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा।
जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। कांटों ने कहा रुख मोड़ लिया कोई राह नजर में ना आए, धड़कन ने कहा रुख मोड़ लिया कोई झूठे मूठे सपनों में साए, यही बार बार सोचता हूँ तनहा मैं यहाँ। गाना में बहुत लिरिक्स गलत हो रहा है जी, माफ कीजिएगा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। तो गाइस चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। लिरिक्स जो है बहुत ज्यादा गलती हुआ है, लेकिन आप लोग बस धुन पे जाइए, ठीक है। मम्मी आपको कैसा लगा गाना? अच्छा लगा। कौन जीता आप या हम? हम तो ऐसे भी हारे हैं, लेकिन तुम नहीं, कौन जीता? तुमसे जीत गए हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन अच्छा गाया, ये गाया क्यों। हम तो ऐसे और एक अभी हम जा रहे हैं छपरा, और छपरा में कुछ काम है तो इसलिए हमको वहाँ निकलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पापा जी का काम है। तो पापा जी बोले हैं कि आज तुम चले जाओ, हम यहाँ पे रहते हैं। तो हम जा रहे हैं और वहाँ से चलती से आएंगे, शाम में ब्लॉग भी डालना है। तो बस गाइज आप लोग बस बने रहिए छपरा के बीच में, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन जा रहे हैं, और आप लोग ऐसे ही हमेशा प्यार देते रहिए। और बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बाकी क्या ठीक नहीं है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस चलती आगे चलते हैं वीडियो को लेके। गाइज अभी हम आ चुके हैं कोचिंग में, और अचानक से क्या हुआ है कि इन भाई इस बाबू का बर्थडे है, तो आप लोग प्लीज़ मिस करना मत भूलिएगा। इसका नाम है आर्यन, जो कि अक्सर ब्लॉग में देखने को मिलता है। तो आर्यन आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बर्थडे है आज, और दोस्तों से मिल के काफ़ी लोगों से मिल के आज बहुत अच्छा लगा। इन लोगों को भी थैंक यू बोल। हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू जो मेरा ब्लॉग सर का ब्लॉग देख रहे हैं, और सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ये तो कोई आदमी भी बोलता है ना, तो पहले ही लोग स्किप कर देता है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा और कर दीजिए। और इसका जो आप लोग बहुत दिन से मिस कर रहे होंगे, इसका जो दोस्त है जिगरी दोस्त, आज क्या पार्टी अभी देने वाला है? अभी पार्टी जो होना था वो हो चुका है। लाइक कर देने आप लोग। तो ये थोड़ा हेजिटेशन इसको हो जाता है जब वीडियो आता है, क्योंकि इसको सब लोग जानता है ना सिवान में, एक एक बच्चा बच्चा को पता है कि रवि पांडे कौन है, रवि मिश्रा कौन है। ये देख लीजिए लोग गाइस, मेरे स्कूल में गाय आ गई है और भगा रहे हैं तो हमको मार रही है। तो गाइस आज बहुत दिनों बाद जो है ना मैं छत पे आया हूँ, और छत पे आने का रीज़न है कि हो सकता है कि कोई रहने आए। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि कुछ प्लांट है ऊपर भी, और साथ में नीचे भी प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बस देख लीजिए यहाँ पे कुछ प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा होगा। और यहाँ पे कुछ पीछे की तरफ कचरा भरा हुआ है जो कि साफ़ करवाएंगे लोग। दिवाली भी आने वाली है, आने वाला है, और हो सकता है कि हम लोग इस बार फेस्टिवल पर कहीं जाएँ। तो बस देखते जाइए वीडियो में, और चलिए लेके चलते हैं आपको नीचे। किसी को चाउमीन, किसी को मैगी, और किसी को मोमो, किसी को पास्ता, कुछ भी किसी को भी पसंद आ सकता है, लेकिन मेरा फेवरेट है मोमो। और आप लोगों का फेवरेट फास्ट फूड में क्या है? मम्मी आपका? मेरा भी मोमोज है, अच्छा लगता है। तो मोमोज वाला लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी बना हुआ है मैगी, ठंडा। तो गाइस अभी जो है मैगी बन चुका है। यही बोला है कि मैगी खाएंगे, मैगी तो इनके पापा भी नहीं खाते हैं, हमको भी उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा खा लेते हैं इन लोग के बात रखने के लिए, लेकिन ये सब नहीं खाना चाहिए, हानिकारक होता है। बाहर का नहीं खाते हैं लोग, घर में बनवाए हैं अभी है। खा लीजिए, खाएंगे बाद में, खा लो पहले तुम। आप बताइए मम्मी, 24 घंटा में हम कितना घंटा आपके पास रह रहे हैं? 3-4 घंटा छोड़ के पूरे दिन रह रहा है, यानी कि सिर्फ सोने के बाद। नहीं, अब स्कूल जा रहा है तो नहीं रह रहा है।
बाकी अब नहीं लग रहा है कि हम अकेले रह रहे हैं, सब लोग कोई कोई रह रहा है घर में। और आप लोग का कमेंट है ब्लॉग में, कमेंट देख के और फोन से इतना कॉल आ रहा है, सबका बात कर रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि सब लोग 30 सेकंड 40 सेकंड में हालचाल पूछ के रख दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं, बढ़िया है। तो वेल गाइस एक और कॉल आ गया, तो देखते हैं कि क्या बात हो रहा है। हेलो जी बोलिए। हाँ प्रिंस भैया बात कर रहे हैं। ये कौन हंस रहा है बच्चा? बाप रे बाप, मतलब हम मामू हैं इसके। ओके कॉल कीजिए, उठाइए। किए तो हैं। राधिका रमन आपका कल वीडियो में आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? बिरज के छोरी से मैया करा दो मेरा ब्याह। क्या हाल है गाइस? अब वक्त हो चुका है आप लोगों को वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं अभी पूछने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी सहमत हो जाएंगे। और ये जो है ना एक बहुत ही मेमोरेबल डे होता है। अभी मम्मी क्या कर रही है कि इनका जो है ना थोड़ा मतलब इनको दर्द तो है, लेकिन फिर भी ये अभी क्या कर रही हैं कि बोल रही हैं कि साड़ी चपेटते रहे हैं। फिर एक फ़ोन आ गया, फ़ोन जो है कटने का नाम नहीं लेता है, एक फ़ोन कटता है तो दूसरा आ जाता है। तो मम्मी अब बताइए आप, और कैसा लग रहा है अभी चपेट पेटती हैं? और अच्छा इनको आपको ये साफ सुथरा रखना क्यों पसंद लगता है मम्मी? क्योंकि हम लोगों का जो होता है रूम हमको थोड़ा सा भी इधर उधर बिखरा रहता है ना, हमको लगता है कि पहले जल्दी सेट करो। अभी वो सोफा देख रहे हैं बार बार, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये फूल गिर गया है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी उठेंगे तो इसको सब सीधा करेंगे, और हमको अच्छा लगता है सफाई। तो गाइस क्वेश्चन ये है, बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है कि मम्मी आपको लाइफ में सबसे अच्छा दिन कौन सा था, हम पैदा हुए थे तब का या और कोई दिन? हमको लाइफ में अपने सबसे अच्छा, आप लोग रियल बता रहे हैं, एकदम दिल पे हाथ रख के बता रहे हैं कि जिस दिन लड्डू पैदा हुआ मेरे घर में और हम अपने हाथों में उसको उठाए, उस दिन इतना हमको खुशी मिला उससे कि मेरे बाद वो हमको दी खिलाने के लिए बाबू को, और हम हमारे बेटी बेटी को बेटा है, तो हमको इतना अच्छा लगा। उस जगह मेरे बहू का भी रहता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन हम शादी कर दिए थे तो वो बेटी का बच्चा हुआ तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम उसको अपने, इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा हम उसको मानते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और लड्डू का मेरा भी उम्र लग जाए, वो मेरे सामने कुछ ना हो किसी बच्चे को, तो यही हमको सबसे अच्छा दिन था। और सबसे खराब दिन कौन सा लगता? फोन उठाओ पहले। हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। आंटी जी कहाँ? आप प्रिंस बोल रहे हैं? हाँ हम तो प्रिंस से बोल रहे हैं। अच्छा, आपका लगाए तो अभी रिसीव हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम कृति मंडल हुआ। तो गाइस कृति मंडल का जी का भी फोन आ चुका है, जो कि हैं कहाँ से? उड़ीसा। हाँ जी पोखल भात खावे? नहीं भाई, हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं, यहाँ जॉब करते हैं। हे भगवान।
लीजिए बात कर लीजिए मम्मी से, आपका कल ब्लॉग में आ जाएगा ठीक है। किससे बात कर रही हैं? क्या नाम है आपका? अभिज्ञान। अभिज्ञान जी कहाँ से हैं? बिहार से। किस जगह से? कौन सा? परविसगंज। तो गाइस यहाँ पे पहली बार कोई लड़का कॉल किए है, वो भी 3 क्लास का अभिज्ञान। हेलो प्रिंस भैया, क्या हाल है अभिज्ञान? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? हम तो एकदम मस्त, रफ एंड टफ। ठीक है अभिज्ञान, तुम्हारा कल आवाज आ जाएगा। ओके चलो ब्लॉक का वेट करो कल 11 बजे। बाय बाय। अभी पापा जी आ चुके हैं और इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, पापा के लिए खाना दिया गया है, आज बना था रोटी और केला का सब्जी। तो मैं भी खाने बैठा हूँ, अपने बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, सम्मान करना सीखिए और अपनी गलतियों को आप कभी भी छुपाइए मत, और किसी से अगर गलती हो जाए तो प्रायश्चित करना सीखिए, दूसरे पर किसी तरह का आरोप लगाना अच्छी बात है। अब वीडियो खत्म होने का समय आ चुका है, तो चलिए आपको हम अपना नेल दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा नेल है और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, और इस नेल को ऐसे कर दीजिएगा। ये नेल नहीं था, ये था पिस्ता बादाम। तो बस चली चलते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। इसी तरह से खूब सारा भर भर के प्यार दीजिए। ये लीजिए आप लोग, इतना सारा बेड में हम गंदा कर दिए हैं, तो चलिए मम्मी का डांट सुन लिया जाए। बाय बाय।